आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। सोने और चांदी के जेवरातों के अवैध रूप से परिवहन करने के मामले में महासमुंद जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 1,35,00,000 का जुमला बरामद किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सिंघोड़ा थाना अंतर्गत अंतरराज्यीय चेक पोस्ट रेहटी खोल में जांच के दौरान एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार को रोककर पूछताछ की गई तब संदेह हुआ। वाहन की जांच करने पर डिक्की से एक बैग मिला जिसमें नकदी रकम सोने और चांदी के जेवरात मौजूद थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे रायपुर के निवासी हैं और गहनों की खरीद बिक्री को लेकर उड़ीसा गए थे। अपना काम निपटाकर बचे हुए सामान को लेकर वापस लौट रहे हैं। पुलिस ने बैग में मौजूद जेवरातों के दस्तावेजों की मांग की तब वे कोई भी कागज पेश नहीं कर सके। इस तरह पुलिस ने 55,00,000 रुपये कीमत का करीब 1,139,243 सोने के गहने, 67,00,000 रुपए कीमती चांदी की सिल्ली व गहने, 8,50,000 रुपए नकदी और स्विफ्ट कार समेत कुल 1,35,00,000 रुपए का जुमला जब्त कर लिया। मामले में अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरबा अजगमर से नागेंद्र पाल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए जेएक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे।